हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर के माइंड में। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी, स्टोग्राफर या आप कोई भी कंप्यूटर संबंधी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका टाइपिंग होना है, और दोस्तों आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी नहीं है, आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको टाइपिंग करने में हो रही समस्या, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप अपने मोबाइल से टाइपिंग करना सीख सकते हैं। केवल आपकी जितनी भी कंप्यूटर में शॉर्ट की होती हैं, जितनी विंडो में जो कुछ चलता है, बट से लेके माइक्रोसॉफ्टवेयर जितने भी हैं, टैली है, अकाउंटिंग, आप कुछ भी अपने मोबाइल में चला सकते हैं, एमएस एक्सेल कुछ भी आप चला सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा, आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और जानकारी मुझसे लें। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि मैंने भी अपने टाइपिंग केवल अपने मोबाइल से ही सीखी है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराऊंगा। पहले देखिए, हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, मैं अपने प्ले स्टोर पर जाता हूँ। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। दोस्तों ऐप का नाम है WIN, बिन डाल देना आपको, और बिन सेवन डालने के बाद, और बिन सेवन या विंडो सेवन आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने विंडो सेवन डाल दी क्योंकि आप जानते हैं कि सभी लैपटॉप कंप्यूटर में ही ज़्यादातर विंडो सेवन बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, इसलिए मैंने विंडो सेवन को डाल दिया। दोस्तों देखिए, इसमें दूसरे नंबर पर WIN7 सिमू डला हुआ आएगा, इसको सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद, दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे मोबाइल में अभी पहले से ये इंस्टॉल है। आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना, मैं आपको ओपन करके बताता हूं। दोस्तों मैंने इसे ओपन किया और आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में ये बिल्कुल अलग से ही, बिल्कुल तिरछी ही चलने लगी है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों देखिए कैसे स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट इस तरह हो रही है जैसे आपका मोबाइल लैपटॉप मैं जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर में आप देखते हैं, उसी तरह ये विंडो ओपन होती है। दोस्तों देखिए, ये ओपन हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये ओपन हो चुकी है, ओपन हो गई है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह दिखाई दे रहा है जैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं। दोस्तों क्या करना है, जहाँ पर ये एरो एक हवाई जहाज़ बना है, उस पर एक बार सेलेक्ट कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसा मोबाइल खुलता है, उसी तरह ये विंडो खुल जाएगी। दोस्तों देखिए, विंडो खुल चुकी है। आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि कंप्यूटर की तरह देखिए तीर चलने लगा। अब आपको क्या करना है, एक माउस और एक कीबोर्ड ले लेना। माउस और कीबोर्ड लेने के बाद एक ओटीजी ले लेना, दो एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे आपके मोबाइल में, और आप माउस को बिल्कुल कंप्यूटर की तरह इस पर ये तीर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस तीर को आप अपने माउस से चला सकते हैं और कुछ भी आप कर सकते हैं, और कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हैं। आप देखिए इसमें कहाँ पर होता है सारे बट सब कुछ, टैली वगैरह। दोस्तों देखिए, आपको नीचे आना है, नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर सेलेक्ट किया कोने पर। इस पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए टाइम दिखाई दे रहा, देखिए आपको ये सारी कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, ऑल प्रोग्राम पर हम गए, देखिए आपको एक एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ध्वनि, कैमरा, वाइट स्टूडियो रिकॉर्डर, विंडो पैड, बर्ड पैड, विंडोज मीडिया, देखिए टेलीग्राम, ये सब कुछ है इसमें। प्ले स्टोर भी है, पेंटर है, बाकी एफएम रेडियो, गेम, हर चीज़ है। आप इसमें क्रोम, कैमरा, कैलेंडर कुछ भी आप चला सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जिस तरह हमारा कंप्यूटर शटडाउन होता है, उसी तरह देखिए इसमें शटडाउन का भी ऑप्शन है। दोस्तों आपको इसको बाहर करना है, किसी को बाहर करना है, हम उस पर एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे आप स्क्रीन पर भी ला सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पर लाना है तो आप मेरी वीडियो एक ज़रूर देख लें, और उसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। दोस्तों देखिए, मैंने सिम कार्ड भी दिया है, और आप स्क्रीन पर लाने के लिए आप स्क्रीन पर लाएंगे जितने भी सब फोल्डर आ जाएंगे। आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो आप कर सकते हैं। दोस्तों इसको शट डाउन कर भी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने इस पर शट डाउन पर ऑप्शन पर गया हूँ, और देखिए मैंने शट डाउन कर दिया, और मेरा मोबाइल शट डाउन हो जाएगा। देखिए आपको शट डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा, और ये हम वापस प्ले स्टोर की उसी जगह पर आ गए। अपना मोबाइल उसी में देख लेना जहाँ पर आपने स्क्रीन पर आ जाएगा ये। दोस्तों अगर जानकारी आपको पसंद आई है और तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको ऐसी टेक्निकल जानकारी लाता रहूँगा, वो आप